रामपुर में युवती पर तेजाब से हमला किया गया है। बाइक सवार तीन युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने युवती पर एसिड अटैक किया। तो घर लौट रही युवती को बाइक पर बैठाने की कोशिश भी की गई। विरोध जब किया गया युवती के जरिए तो उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाने में मामले को दर्ज कराया गया है। तो रामपुर में युवती पर तेजाब से हमला किया गया। अजीम नगर थाना क्षेत्र के हरेटा गांव का ये मामला है और फहीम खान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। फहीम, क्या बताया जा रहा है पीड़ित के जरिए और परिजनों के जरिए? स्थिति अभी पीड़ित की क्या है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी रितु, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरह से रामपुर में ये एसिड अटैक की घटना सामने आई है, ये इसमें जो पीड़ित के पिता है अब्दुल वाहिद ने, उन्होंने बताया कि पास में ही तीन युवक थे उसके बाइक पे सवार, वो इस युवती को बैठा के ले जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जब ले जा सके तो उन्होंने इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। पिता है उसने उन लोगों को पहचान लिया और थाने में उसके तीन लोगों के नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है लेकिन आरोपी अभी पकड़ से बाहर है। जिस तरह से पुलिस की अगर बात को माने तो पुलिस का ये कहना है कि ये एसिड अटैक नहीं था बल्कि कोई केमिकल था जिससे इसका होंठ जल गया है और दो तीन जगह इसके चोट है जिससे। तो अगर फुटेज को हम देखेंगे तो उससे साफ लगता है कि इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन पुलिस की मानेंगे तो लगता है कि ये केमिकल है। तो जिस तरह से ये अभी मामला जांच का विषय बना हुआ है, क्लियर नहीं है कि एसिड अटैक या तेजाब में है, जो भी होगा ये पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से युवती के ऊपर ये हमला हुआ है, ये घटना हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है, बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या इसी तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जुल्म होते रहेंगे, क्या इसी तरह से कानून व्यवस्था चलती रहेगी? सवाल या निशान है। फहीम ये बताइए, जो लोग जो युवक युवती को बिठाने की कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती अपनी बाइक पर, पहचान के क्या ये बताए जा रहे हैं? जी हाँ, इसमें एक आदमी पहचान का बताया है पीड़ित के पिता ने और दो अज्ञात बताए हैं। उनके नामजद तहरीर थाने में दी गई थी जिसकी FIR पुलिस ने तुरंत दर्ज कर ली है। पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस को जो उसमें सुराग मिले हैं वो ये मिले हैं कि जो नामजद आदमी है उसकी लोकेशन इस टाइम दिल्ली आ रही है। जी रितु, चलिए धन्यवाद आपका फहीम हमारे साथ जुड़ने के।